हेलो गाइस, आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीएसएस की। जैसा कि आपको पता है, हमने सीएसएस की स्टार्टिंग कर दी है, जिसमें हमने सीएसएस के 4 पार्ट आपको बताए हैं, डाल रखे हैं वीडियो के। हम क्या है, आपको आज जो बात कर रहे हैं सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट में पार्ट फाइव में हम आपको यह बताएंगे कि सीएसएस के द्वारा हम अपने HTML वेब पेज पर किस प्रकार से बैकग्राउंड कलर और उस कलर की ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी, मतलब हल्का आएगा। देखें, सबसे पहले आज की हम वीडियो में बता रहे हैं सीएसएस बैकग्राउंड। आप अपनी जो भी क्वेरी है कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सीएसएस बैकग्राउंड, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे आप कॉपी में नोट कर लें, मैं सीक्वेंस से आपको बताता जा रहा हूँ सीएसएस। देखें, कास्केडिंग स्टाइल शीट सीएसएस। The CSS background properties are used to add background effect for element. मतलब CSS background के द्वारा हम क्या है, background image effect set कर सकते हैं। किस पे? आपके element HTML web के लिए, तो ये cascading style sheet, तो ये बिना HTML के CSS का कोई use नहीं है। देखें, background color की बात करेंगे और background color के साथ हम बात करेंगे आज opacity मतलब transparency। देखें, background color के बारे में बात की है हमने। The background color properties बताइए हमने इसमें नीचे जो एलिमेंट में है, मैंने प्रोग्राम बना दिया है, देखें आप, जिससे आपको पता ही ना हो आप नोट कर लें। अब हम इसे आपको रन करके भी बताएंगे इस प्रोग्राम को। देखिए, हम क्या है, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, हम कोडिंग करेंगे अपने नोटपैड सॉफ्टवेयर में और आपको रन करके दिखाएंगे। देख रहे हैं आप, देखें यहाँ पे मैंने लिखा HTML हेड और यहाँ पे डाल दिया मैंने स्टाइल, बॉडी डाल दी, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया लाइट ब्लू और मैंने इसे क्लोज कर दिया, स्टाइल क्लोज कर दी, हेड कर दिया मैंने क्लोज, क्योंकि आपको मालूम है स्टाइल जो है, स्टाइल डालने का तरीका वही है। लाइट ब्लू आप कोई भी दे सकते हैं, हेलो ईमैक्स लिख दिया मैंने, सही है। एक मैसेज और रख दिया मैंने। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा, यहाँ से सेवेज करना है आपको, सही है। मैं डेस्कटॉप पे सेवेज कर दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, back.html नाम दे दिया मैंने और फाइल कर दी मैंने सेव। मैं आपको दिखाता हूँ back.html आ गया, बैकग्राउंड का कलर जो आ रहा था। हम क्या है, ये कलर जो है उसके द्वारा भी डाल रहे थे जब हमने आपको पहले सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, सही है। आपका HTML के द्वारा भी कलर डाला जा सकता है, पर CSS के द्वारा कलर को डालने की जो चॉइसेज है वो चॉइसेज ज्यादा है कंपेयर टू आपका क्या है HTML आ गया। आप कुछ और भी लिख सकती हैं, अब ब्लू की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रीन। फाइल को सेवेज किया, देखें आप, यहां से मैंने रिफ्रेश किया, लाइट ग्रीन कलर आ गया, सही है। अब हम आगे की जो प्रोग्राम है उसमें हमने बताया है मतलब इसे हम ट्रांसपेरेंसी कैसे करेंगे। द ऑपेसिटी प्रॉपर्टी, सही है, स्पेसिफाई द ऑपेसिटी ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इट कैन टेक ए वैल्यू फ्रॉम, मतलब ऑपेसिटी कहां से कहां तक डाली जा सकती है। ये पेपर में क्वेश्चन आया है काफी बार, 0.021 मतलब एक तक हम डाल सकते हैं। देखें, आपको लिखने का तरीका वही है, यहां से मैंने प्रोग्राम पहले बना लिया है इसी वजह से, जिससे आपको पसंद ही ना आए, और मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। ये देखें, यहां से ले लिया मैंने कॉपी, आप नोट भी ले सकते हैं, ये देखो ये प्रोग्राम है हमारा, आप नोट कर सकते हैं, सही है। HTML हेड स्टाइल, स्टाइल में मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया ग्रीन, सही है। फर्स्ट DIV मतलब डिवाइडेशन के लिए किया है मैंने, ऑपेसिटी रखी है 0.1, सेकंड की 0.3, थर्ड की ये रखी है मैंने 0.6, मतलब 0 से लेके 1 तक कर सकते हैं आप, ये देखें वेरिएशन इसका। और ये मैंने H1 लगाया है, ये P लगाई है मैंने, फर्स्ट लगा दी, क्लास DIV, सही है, DIV लिखा, क्लास लिखा, ऑपेसिटी लिख दी मैंने, क्लास लिखा, फिर मैंने लिख दिया सेकंड जो भी है उसकी प्रॉपर्टी में लगाता गया हूं, ये देखें। अब मैंने क्या है इसका, मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा, ये मैंने हटा दिया, पेस्ट कर दिया, ये देखें आप, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया हमने फर्स्ट, पहले में क्या है ऑफसेटी मैंने कम कर दी, मतलब बैकग्राउंड कलर तो ग्रीन ही है पर उसकी मैं ऑफसेटी जो है कम करता गया ग्रीन भी हर बार। अब मैं क्या है ये कर दिया मैंने, स्टाइल को कर दिया मैंने क्लोज, मैंने पहले ही बताया था। अब इस स्टाइल का यूज करूंगा मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया पी टैग लगाया, DIV लिखा मैंने, सही है, और मैंने क्लास लगा दिया फर्स्ट, क्लास और DIV की हम डिटेल जानकारी अगली वीडियो में करते होंगे, ये देखें। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल में जाऊंगा मैं, सेव एज कर दूंगा, सही है,
मैंने रख दिया इसका नाम बैक वन डॉट एच टी एम एल। मतलब हम किस प्रकार से ऑप्शनिटी कम करके हम क्या है कलर को हल्का कर सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ। इसमें फाइल जो है बैक, ये पुरानी वाली है, दूसरी वाली फाइल जो है बैक वन वाली है, ये देखें ट्रांसपेरेंसी बॉक्सेज ऑपेसिटी 0.1 बिल्कुल हल्का दिखाई दे रहा है, 0.3 डार्क दिख रहा है, ये देखें डिफॉल्ट बंद रहती है। ये आप समझ गए होंगे इस तरह से आप अपने क्या है बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि सीएसएस के द्वारा किस तरह से बैकग्राउंड डाल सकते हैं और उसमें क्या है हम किस तरह से हम क्या है अल्टर कर सकते हैं। धन्यवाद।